आज के सुन को परसेंटेज 20% आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये इसका पार्ट टू है, जबकि इसका पार्ट वन मैंने आपको पढ़ा रखा है। वीडियो क्लिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से परसेंटेज टॉपिक का पढ़ सकते हैं। उसमें देखिए मैंने आपको चार टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में इस पार्ट टू में भी हम लोग क्या करेंगे, चार टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा और कॉन्सेप्ट के बाद क्या करूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को टाइप 1 से 4 इन चार टाइप के क्वेश्चंस को देखना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पार्ट वन में जाकर जरूर से आप देख लीजिए। क्लियर है, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए टाइप 5, इसके पहले मैं चार टाइप पढ़ा चुका हूं, पार्ट वन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जैसे मैं ये लिख रहा ए है और ये बी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितना है, 20% अधिक है, यानी इसकी आय अगर मैं मान लूं 100 है तो जो ए की आय है वो बी से क्या है, 20% अधिक। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, ये जितना है बी वाला जितना वो तो है ही और इसकी आय का 20% अधिक है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 20 ही होगा, यानी जो ए की आय हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 120 होगी। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप बढ़ा दिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं। देखिए तो हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न आपका ये कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अगर रुपए में देखा है तो ये जो बी वाला है इससे कितना कम है, कितना कम है, कितने रुपए कम है, ये 20 रुपए कम है। और किससे पूछा है, ए की आय से पूछा है ना, किससे पूछा है, ए की आय से पूछा है। तो ए की आय से क्या करेंगे आप, इसमें डिवाइड करेंगे, ए की आय 120 है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में, और इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96 बचा कितना, 4। क्या 4 में 6 से भाग जाएगी, क्या नहीं जाएगी, लेकिन ये कट के क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% होगा, ये इसका आंसर आ गया। ये तो इसका बेसिक तरीका है, ये इसका क्या बेसिक तरीका है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीका और आपको बता रहा हूं। ठीक है, दो तरीका और आपको बता रहा हूं, एक तरीका और है फार्मूले से और दूसरा तरीका और है ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग टोटल 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड तरीका देखा जाए फार्मूले से क्या होता है, सेकंड तरीका फार्मूला। अगर हम फार्मूला देखेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं वहां पर आपको फार्मूला भी बता दूंगा और इसको ट्रिक से भी सॉल्व करा दूंगा। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा था कि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। वहां तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखा है, तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया। अब इसको हम लोग फार्मूले से सॉल्व करेंगे और ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इसके लिए एक फार्मूला आता है, प्रतिशत कमी बराबर R100 + R × क्या होता है, ये इसके लिए फार्मूला होता है प्रतिशत कमी। जब ये प्रतिशत कमी पूछे, अगर ये प्रतिशत वृद्धि पूछेगा या प्रतिशत अधिक पूछेगा तो आप यहां से लिख लीजिए प्रतिशत वृद्धि, या इसको आप अधिक भी लिख सकते हैं, 100 - R × 100। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। और यहां पे जो R है, R का मान कितना दिया गया, यहां पे R का मान यही दिया गया है, ये R का मान है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। प्रतिशत कमी पूछा ना, क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी इसका मान पूछा है, पहले वाले के लिए पूछा है प्रतिशत कमी पूछा है। तो इसमें हमको करना क्या रखना होगा, अगर आप यहां पे रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और इंटू क्या होता है, 100।
अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 5 बार में कटेगा, 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 20 बार। यानी जो बी की आय है वो ए की आय से कितना कम है, 20% क्या ये कम है, बी की आय ए की आय से 20% कम है, ये तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया आपको, फॉर्मूले से बता दिया, अब इसको हम लोग करते क्या, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना, यहाँ पे दिया क्या, 25% दिया, 25% को क्या लिख सकते हैं आप, ये जो 25% है इसको आप 1/4 लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4, क्लियर है ना, आगे से मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप इसको आगे से मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपको याद रहना चाहिए कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये मैं आपको पार्ट वन में बता रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 25% ये क्या अधिक, अधिक या वृद्धि के, तो आपको करने के 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है, क्लियर है। अब ये अधिक दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और हमसे पूछा कि कम पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को करना कि अगर ये प्लस का साइन यहाँ पे रहेगा तो इन दोनों को जोड़ना होगा, तो इन दोनों को जोड़ना होगा और ऊपर वाला यही रहेगा, इन दोनों को जोड़कर करना कि आपको नीचे लिख देना। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये जो दिया गया परसेंटेज आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, इसका मान इतना होता। अब ये अधिक है तो अधिक का मतलब क्या करेंगे, आप प्लस का साइन लिखेंगे, अगर यहाँ पे कम रहता तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लिखते, क्लियर है, प्लस का आप यहाँ पे साइन लिखेंगे, और क्वेश्चन आपसे कमी पूछा है तो आप यहाँ पे माइनस, अब इन दोनों को प्लस का साइन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर नीचे लिखेंगे कितना, 5, और ऊपर वाला यही रहेगा, सेम रहेगा, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्लियर है। अब देखिए 1/5 किसका मान होता है, ये तो आप बताएंगे ये कितने का मान होता है, ये 20% का मान होता है। ये कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, कल की वीडियो मैंने आपको फ्रैक्शन पूरा डिटेल में लिखकर बताया था, या इसको आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ये 20%, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट बताएं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 20% के बराबर। देखिए आपका आंसर इस तरह से भी 20 आया और इस तरह से भी 20 आया, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश ये करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे क्या करेंगे, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की बचत होगी, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कम करना होगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई तब खपत में खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे। हमसे पूछा क्या कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, उसकी प्रतिशत वृद्धि पूछा, और ये दिया क्या है, कमी दिया है। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो आप सबसे पहले 25% का मान कितना होता है, 1/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। अब यहाँ पे कमी है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और हमसे पूछा कि प्रतिशत वृद्धि पूछा, बढ़ गया तो मतलब क्या वृद्धि, तो प्लस इसके लिए साइन लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब करेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो घटाएंगे तो जो बचेगा वो नीचे लिखेंगे और ऊपर वाला आपका सेम रहेगा। अब देखिए 1/3 का मान कितना होता है, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 1/3 किसका मान होता है, 33/1/3 का मान होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर आप इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको पार्ट वन में आपको बता रखा हूं, ठीक है। वैसे आपको ये अगर ये वैल्यू याद है तो आपको बहुत ही अच्छा, आपको ये करने जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि नहीं। यानी 33/1/3 की वैल्यू कितना होती है, 1/3 के बराबर होती है, तो इसका आंसर ये आएगा, ये मैं आपको पार्ट वन में बता रखा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उसके व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, इसमें हमसे ये पूछा गया है ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे में आपको ट्रिक बताए उसे ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे ये क्या दिया 20%, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, होता है कि नहीं होता है, 20% का मान कितना, 1/5 होता है।
अब यहाँ पे कमी दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और ये वृद्धि पूछा है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर मैंने क्या बताया आपको, अगर माइनस का साइन तो इन दोनों को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये चार आएगा, पांच में से घटाएंगे चार मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऊपर वाला आपका सेम रहता है। एक बटे चार देखिए किसका मान होता है, एक बटे चार अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में तो कितने का मान होता है, ये 25% का मान होता है, होता है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक बटे चार अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे नहीं करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ही मान आएगा, 25% आएगा, है ना। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा है, और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ये भी क्वेश्चन देखिए सीजे में पूछा गया है, इस बार पूछा गया 2023 में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, इसमें आपसे ये पूछा है। 7% का मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 7/100 होगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, परसेंटेज हटाएंगे तो ये बटा कितना देगा, ये 7/100 देगा, नहीं तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब ये वृद्धि दिया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमसे कमी पूछा तो आप माइनस करेंगे, अगर ये वृद्धि दिया तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107, जो जोड़ेंगे वो मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे आप नीचे लिखेंगे, यही तो मैंने बताया। अब ऊपर वाला आपका सेम रहता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लेकिन इसको परसेंटेज में बताना तो इसमें क्या करेंगे आप 100 से गुणा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 700 होगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 700 हो गया। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, नहीं भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, तो 6 देखिए किसमें दिख रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा है, इसमें तो होगा नहीं, तो इसका सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की भी पूरी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखा कि भाग कितनी बार जा सकती है, तो यानी यहां से अगर भाग देंगे तो भाग 6 बार जाएगी, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, या तो आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या आप इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये क्या दिया, 19%, 19% का मतलब कितना हो जाएगा, 19/100 होगा, और यहाँ पे कम है ना तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, अधिक पूछा है ना तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जब घटाएंगे, अगर आप इसको 20 मान ले रहे हैं तो जब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना, 80, लेकिन ये अब एक एक्स्ट्रा घटाया ना आपने, तो कितना हो जाएगा, 81, नीचे कितना हो जाएगा, ये 81 होगा, और ऊपर आपका ये यही रहेगा। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आगे 20 बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे 100 लिखने की जगह मैंने इसके आगे डायरेक्ट क्या कर दिया, 20 लगा दिया, इतना क्लियर है। अब कि इससे इसको डिवाइड करना है, इससे करना क्या आपको, इसको डिवाइड करना है, तो मुझे तो ये तो कंफर्म है कि अगर मैं इससे भाग दू तो 80 गुना कितना होता है, 160 होता है, तो कितना हो जाएगा, 165, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, इतना तो क्लियर है। अब देखिए बचा कितना, अगर 190 में से 162 घटाएंगे तो 28 बचा, 28 इसके पहले आएगा तो 280, अब 280 में अगर आप 81 से भाग देंगे तो 83 कितना होगा, 24, यानी समथिंग कितनी, यानी 3 बार भाग जाएगी। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या, 2-3 देखिए इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये सब तो होंगे नहीं, ये भी होगा नहीं, अब मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। ये भी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी क्वेश्चन के लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, इसमें हमसे ये पूछा है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित से कितने प्रतिशत कम है, इसमें हमसे ये पूछेंगे,
और ये देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए मोहित का वेतन जो कितना ये अधिक है विजय से, 60% अधिक। 60% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। 60% को आप क्या कर सकते हैं, 3/5 आप लिख सकते हैं। ये अधिक है ना तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और कम पूछा है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। क्लियर है? अगर ये प्लस का साइन तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा। कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8। ऊपर कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। अब इसको प्रतिशत में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 जीरो लगा दे रहा हूँ। क्लियर है? 2 जीरो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, गुणा करने की जगह डायरेक्ट 2 जीरो मैंने इसमें लगा दिया। अब यहां से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी, 8 × 3 = 24, यानी भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। तो 3 देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे नजर देखते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कितनी बार भाग जाएगी तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इस तरह से आपको चेक करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई 16 × 2/3% की वृद्धि की जाती है, लगभग कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई कम की जाए ताकि आयतन आयत का क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्लियर है? तो सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यानी इसका देखिए मैंने मान बताया था 16 × 2/3 की वैल्यू कितना होती है, कल मैंने आपको बताया था कि कितना होती है, 1/6। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? अब ये देखिए वृद्धि में दिया है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और हमसे क्या पूछा, कम पूछा है ना, तो माइनस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और ऊपर वाला आपका सेम यही रहेगा। अब देखिए प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 7 से गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे तो 100 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 100 से गुणा करूंगा तो 100 ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 14 × 7 कितना होता है, 98। 14 × 7 कितना होता है, 98। भाग कितनी बार जाएगी, 14.0 कुछ जाएगी, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए एमटीएस में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, ये एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो। यानी वृद्धि दिया गया, यानी बढ़ जा रहा है, हमसे कमी पूछा है, तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/ आप कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। 15% को आप कितना लिख सकते हैं, 3/20 आप लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा क्या देगा, 100 देगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। क्लियर है? तो वही चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखिए कम पूछा तो आप यहां से क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों को प्लस का साइन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 23 मिलेगा, और ऊपर आपका यही रहेगा, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 300। अगर आप एक पॉइंट ध्यान से देखिए तो ये 23 कैसी अब संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? 23 कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है, यानी ये 23 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जबकि अगर आप ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे देखिए 8, 13, 11, 23, अगर जब आप इससे भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाएगी और जो भी शेष बचेगा तो उसका बटा आप 23 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो यानी उसका बटा 23 आप लिखेंगे, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हैं कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, सिर्फ इस तरह से क्या करेंगे आप, आंसर टिक कर देंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है? आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ये 23 अभाज्य संख्या है, 23 तो किसी से कटेगा नहीं, तो जब ये जितनी बार भाग जाएगा और जो भी शेष बचेगा उसका बटा कितना होगा, ये 23 होगा, क्योंकि इनमें से ये सब तो हो नहीं सकते, ठीक है? ये सब तो हो नहीं सकते, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, मैं आपको इतने प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चनों का, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है? मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चीनी की कीमत में 16 × 2/3% की कमी हुई, फिर कितने परसेंट खपत अधिक हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। अब इसका मान मैंने आपको पीछे बताया कितना होता है, 1/6 होता है, और ये कमी दिया तो आप माइनस का साइन लगाएंगे।
अब ये पूछा अधिक पूछा है ना, तो अभी इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 1/5। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, और अभी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/5। इसको घटाते कि नहीं घटाते, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अब 1/5, 1/5 का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये 20% के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना है। वृद्धि दिया है और हमसे पूछा कि कमी पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, चलिए अब टाइप 6। टाइप 5 में आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूं कि वो उस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गए, ठीक है। टाइप 5 में मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करा चुका हूं, 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखा हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी आपके दिमाग में पूरी तरह से बना रहे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब टाइप 6 में देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, तो अगर आप यहां से अगर कोई आयत बनाएंगे, यहां से मैं क्या करूं, एक आयत बना ले रहा हूं, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। अगर मैं इसकी लंबाई में क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, और इसकी चौड़ाई में भी क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, तो ऐसे में जो नया आयत बनेगा तो इसका जो एरिया है पहले वाले से क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़, पहले इतनी एरिया थी, अब इसका एरिया बढ़कर कितना हो गया, इतना। तो प्रश्न हमसे यही पूछा जाएगा कि एक आयत है, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, इसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो आपको करना है, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछा जाएगा तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, या इसे को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जब आयत की दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये बनेगा, या इसी को आप क्या कहते हैं, सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। क्लियर है, जब दोनों बीमाओं में कमी की जाए, ठीक है, जब आयत की दोनों बीमाओं में कमी की जाए, अगर मैं यहां पर आयत बना रहा हूं इस तरह से, अब मैं इसकी लंबाई को क्या कर दूं, काटकर छोटा कर दूं, और इसके चौड़ाई को भी काटकर क्या कर दूं, छोटा कर दूं, तो ऐसे में देखिए आयत ये बन गया। तो पहले आयत का देखा, ये आयत इतना ये था, अभी जब इसको मैंने काटकर छोटा कर दिया, तो पहले से जो इसका एरिया घट गया कि नहीं घट गया, पहले से इसका एरिया घट गया। तो ऐसे में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी, यानी इसके क्षेत्रफल में तो जाहिर सी बात है कमी होगी कि नहीं होगी, इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। तो प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब थर्ड है, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में क्या की जाए, कमी की जाए। जब आयत की एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में क्या किया जाए, कमी की जाए, ये भी तो कंडीशन बन सकती है ना। अगर ये कोई आयत है, इसकी इस बीमा को मैं बढ़ा दूं और इस बीमा को क्या कर दूं, काटकर छोटा कर दूं, तो ऐसे में जो नया आयत मिलेगा, इसका जो एरिया है पहले से घटेगा कि बढ़ेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो नया आयत बना, पहले से इसका एरिया घटेगा कि बढ़ेगा, इसमें हमसे ये पूछेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, घट भी सकता है, इसमें बढ़ भी सकता है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो आप क्या कहेंगे, उसके एरिया में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। अगर आपका आंसर निगेटिव में आएगा तो आप क्या कहेंगे, उसके आयत में, यानी आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी या वृद्धि। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, वृद्धि हो रही है। अगर आपका आंसर निगेटिव मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, एरिया में कमी हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे आप, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए तो दोनों साइन क्या रहते हैं, ये प्लस प्लस रहते हैं, सब कुछ तो ए बी है, बस प्लस माइनस का फर्क है। जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाएगी तो आप क्या करेंगे, प्लस प्लस का साइन लेंगे। जब दोनों बीमाओं में कमी की जाएगी तो आपको करना है कि एक प्लस लेना है और सेकेंड वाला माइनस आपको लेना है। जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए तो आपको दोनों ही माइनस आपको लेना है, ठीक है। ये दोनों आपस में थोड़ा अपोजिट है, क्लियर है, लेकिन आपको किसी तरह से इनको याद रखना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, आप सक्सेसिव मेथड हो गया, रेशियो मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे रेशियो मेथड का यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रेशियो मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो जो जिस जिस क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे उसको हम लोग, ये तो दोनों सेम ही है, उसको हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वही क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए क्या कहा गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10-20% तक बढ़ जाता है, यानी लंबाई और चौड़ाई में क्या किया गया है, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें हमसे ये पूछा। तो फार्मूला मैंने आपको अभी ऊपर लिखवाया कि प्रतिशत वृद्धि बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, दोनों बीमा में वृद्धि की जा रही है, तो यही फार्मूला मैंने आपको लिखवाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं, क्लियर। इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो जब यहां से रखेंगे a प्लस बी, यानी इन दोनों का मान रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, क्लियर है, 30 होगा। अब यहां पे जब रखेंगे यहां पे 10 गुणे 20 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32%। जो आयत है उसके एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 32% का इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड का क्वेश्चन, रेशियो मेथड का यूज कहां करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर आपको ठीक है, अगर आपको ऐसी वैल्यू दी रहेगी यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ना दी रहे, जैसे 16 सही 2/3, अगर ऐसी वैल्यू नहीं दी है आपको, इस तरह से पूर्णांक के रूप में दी गई, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी वैल्यू दी गई फ्रैक्शन के रूप में दी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अभी मैं आपको आगे रेशियो मेथड बताऊंगा, जब जिस क्वेश्चन में ये दिखेगा मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत की कमी हमसे पूछा गया। जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए, अगर आप इसको आयत से कंपेयर करेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगर आप इसको आयत से कंपेयर करेंगे तो सेब की कीमत में पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्लियर है, सेब की कीमत में वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रही है, कमी हो रही है, फिर इस तरह से ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसे में पूछा क्या है, कुल कितने परसेंट की कमी हुई, आपसे ये पूछा गया। अगर आप आयत के सेंस में लेंगे तो आयत की एक बीमा में वृद्धि की गई और एक बीमा में क्या कर दी, कमी कर दी गई, तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल पहले से घटेगा कि बढ़ेगा, आपको यही बताना। तो इसके लिए मैंने आपको पीछे क्या फार्मूला बताया था, आपको फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर ए माइनस बी ए बी अपॉन 100, बताया था कि नहीं बताया था, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैं आपको रेशियो मेथड बता ही दे रहा हूं अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको रेशियो मेथड बता दे रहा हूं, इसमें रखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि, जब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस यहां से रख लीजिए 20 माइनस 20, 20 गुणे कितना हो जाएगा, ये 20/100 कितना हो जाएगा, 100, 00 से कट गया, ये 20 से 20 कट गया, तो ये कितना आ गया, ये 2×2=4, और माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि कमी हो रही है, तो आप इसको पहले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड से ही बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत गहरा हूं रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड से ही आपको बता दे रहा हूं, रेशियो मेथड, क्लियर है। अब देखा जाए, अगर आप यहां से 20% की वृद्धि, तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है, 1/5, अब ये वृद्धि दिया है ना, तो वृद्धि में क्या करें, आप इसको जोड़ेंगे तो 5 से कितना हो जा रहा है, उसकी कीमत कितनी हो जा रही है, सेब की 5 से बढ़कर 6 हो जा रही है, सेब की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो सेब की कीमत पहले 5 रुपए थी, अब इसमें 1 रुपए बढ़ गया, तो बढ़कर ये कितना हो गया, ये 6 रुपए हो गया, क्लियर है। फिर 20% की कमी हुई, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता, अब इसमें 20% की कमी हो गई, तो 5 रुपए था, तो घटकर कितना हो गया, 1 रुपए घटाएंगे, 5 रुपए था तो 1 रुपए घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 रुपए होगा कि नहीं होगा। अब करना क्या इसको,
अब देखिए कटेंगे तो है नहीं रेशियो में, तो इसका गुणा इधर कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 रुपए से कितना हो गया, एक की कमी आई, 25 रुपए से 24 रुपए हो गए, सेब की कीमत 25 रुपए से 24 रुपए हो गई, तो कितने की कमी आई, 1 रुपए की कमी आई। और इसी को बताना कि आपको प्रतिशत में बताना है, तो एक की कमी आई कितने पर आई, 25 पर आई कि नहीं, तो 25 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीपल। अगर इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। कितने की कमी आ गई, 4% की कमी आई। इसको आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, और इसको आप चाहे तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो और आपका जल्दी से लग जाएगा, रेशियो से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। रेशियो का यूज हम लोग कहां करेंगे, फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में क्या दी हो, फ्रैक्शन वैल्यू दी गई, जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू दी गई तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर नॉर्मली इस तरह से वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए फार्मूला को भूल गए तो उस कंडीशन आप रेशियो मेथड का ही यूज कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 10% 20% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड या फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं, या मैं आपको रेशियो मेथड ही बता रहा हूं, ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब आयत की दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मुझे लगता है यह इसका फॉर्मूला होता है कि, तो यहां पर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, 30। अब यहां से करेंगे 10 × 20/100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 जीरो से कट जाएंगे, तो बचा कितना, 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 32%। अब इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे यहां से, रेशियो मेथड अगर करेंगे तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है, तो 10 यानी वृद्धि हो रही है ना, तो 10% का मान कितना होता है, 10% का मान 1/10 होता है। अब ये इसमें इंक्रीज हो रहा है, पहले 10 था तो इंक्रीज होकर कितना हो गया, ये 11। अब 20% का मान कितना होता है, 1/5, अगर 5 है तो उसमें कितने 1 के इंक्रीज हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 6, ठीक है। लंबाई ये एल है और ये क्या है, चौड़ा है, तो पूछा क्या, एरिया, एरिया का आप यहां से लिख लीजिए एरिया, क्लियर है। अब देखिए करने के कट तो रहा है, ये देखिए कट रहा है तो काट ले रहे हैं लोग, यहां से जब अगर इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 5 हो गया, और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार। अब इसका गुणा इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 33। जब इन दोनों को घटाएंगे, जब इन दोनों यानी देखिए यहां से कितना बढ़ रहा है, ये 25 से 33 हो गया, तो कितने का ये इंक्रीज हुआ, एरिया में कितने का इंक्रीज हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, 8/ कितना हो गया, ये 25, क्लियर है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, 4 बार में कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/32, ये इसका आंसर है। एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि कहां आप रेशियो का मेथड करेंगे और कहां फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब भी ये वैल्यू क्या पूर्णांक में दी गई हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसका यूज करेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि इसका आंसर बहुत जल्दी आ जा रहा है। अगर आप इस तरह से इसका यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है कि इसमें लग रहा है। जब मैंने क्या बताया आपको, जब वैल्यू पूर्णांक में दी गई यानी जब वैल्यू क्या इस तरह से दी गई तो आप इसका यूज करेंगे, आगे अगर वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिलेगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव का पता लगे, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए लंबाई में वृद्धि दी गई है और चौड़ाई में हमसे पूछी गई है, जबकि ये किसका दिया, एरिया का दिया है, तो ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसको जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्लियर है ना, इस बात को आप ध्यान से देखिए। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई में इंक्रीज हो रही थी, वृद्धि या कमी हो रही थी लंबाई चौड़ाई में, लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एरिया में हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा।
इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दिया है। अब देखिए यहां से लंबाई, अगर आप लंबाई लिखेंगे 50% का मान कितना होता है 1/2, तो जो लंबाई है 2 से कितना हो जा रही है 3 हो जा रही है। 50% का मान 1/2 होता है, 2 से कितना हो जा रही है 3 हो जा रही है, यहां पे मैंने लिख दिया। अब चौड़ाई में हमसे पूछा तो हम इसको इसी तरह से छोड़ रहे। अब नीचे एरिया मिलता है कि नहीं मिलता, यहां से एरिया, एरिया में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसका मान पता करने के लिए, यानी चौड़ाई का मान पता करने के लिए इसका गुणा आप इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो गया 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले चौड़ाई 12 थी, अब बढ़कर कितना हो गया 15, तो यहां से कितने का ये इंक्रीज हुआ चौड़ाई में, 3 का इंक्रीज हुआ। कितने पर हुआ, कितने पर हुआ, ये 12 पर हुआ। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्ल कर देंगे, 4 बार में कटा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये 25%। तो आप बता सकते कि आयत की चौड़ाई में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 25% का इंक्रीज हुआ। तो यही ऑप्शन देखिए इसका मैच है, ये तो डिक्रीज दिया है, तो यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं क्वेश्चन की। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो बार 30-30% की वृद्धि कर दी जाए, दो बार 30-30% की वृद्धि की जाए और दो बार 30-30% की कमी की जाए, तो ये जो वृद्धि वाला है इससे कितना अधिक होगा, इसमें हमसे यही पूछा गया है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमको दो स्टेप में सॉल्व करना होगा। फॉर्मूले से हम लोग कर ले रहे हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले से हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए वृद्धि हो रही, दोनों विमाओं में ये कह रहे वृद्धि हो रही, तो फॉर्मूला आपको पता है कि इसके लिए क्या होता है, a+b ab/100 होता है कि नहीं होता है। तो जब यहां पर रखेंगे ए और बी, यानी दोनों का मान 30-30 है, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 30-30 60 हो गया। अब यहाँ पे 30 × 30 रखेंगे तो 0 से 0 कट गया तो 9 बचेगा, 60 9 कितना हो जाएगा ये 69, क्लियर, इसका मान कितना आ गया 69%। अब यहां पे देखेंगे तो ये दोनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब दोनों में कमी हो रही है तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था a+b - ab/100, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां पे क्या करेंगे, 30-30 रख के जोड़ेंगे तो 60 हो गया 60, और यहां पे करेंगे तो 30 × 30 2 0 से 2 0 कट गया 9, 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 51, कितना हो गया 51 मिलेगा। तो आप बता सकते कि ये वाला जो एरिया है, यानी इसका जो मान आया है इससे कितना अधिक है, इसका जो मान आया है इस वाले से कितना अधिक है, तो आप क्या बताएंगे कितना अधिक है, घटाइए, जब इसको घटाएंगे तो कितना ये मिल रहा है, ये 18। अब किससे पूछा है, इस वाले से पूछा है, किससे पूछा है, यानी ये जो दो क्रमिक वृद्धि है इस वाले से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे पूछा है, इसका मान इससे पूछा है, तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करूं या इसके आगे मैं 2 0 लगा सकता हूं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इससे करना कि इसको डिवाइड करना, जब इसको डिवाइड करूंगा तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखिए ऑप्शन ये आपके और ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से करूंगा तो कितना हो जाएगा 153 और बचा कितना 27 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 270 में अगर मैं इससे भाग दूं तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। अब देखिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है, इसकी 16.2/3% ऊंचाई कम हो जाती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, इसमें आपसे ये पूछा गया।
इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर द्वारा समझा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसको रेशियो मेथड से ही बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो मेथड से ही सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए 33 से 1/3% का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होती है, 1/3 के बराबर होती है। ये मैंने आपको बताया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका मान कितना होता है, 1/6 के बराबर होता है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगर देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगी। तो जब वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं, तो ये बढ़ जा रहा है, 3 से कितना हो जा रहा है, ये 3 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। अब ये 6 से बढ़कर ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो 6 से ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए कर तो नहीं रहा है, तो अब करना है कि इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18, और इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताएंगे कि एरिया में, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही। और इसी को क्या बताना, आपको परसेंटेज बाउंड बताना है, कितने पर बताना है, ये 18 पर, तो बट्टा 18, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से ही 1/ कितना मिलेगा, ये 9%। ये इसका क्या आ गया आंसर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखिए इसका ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो गए हैं, ये इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या, फिर उसकी उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। क्लियर है, अगर इस बार देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान से, तो ये जो एरिया में परिवर्तन होता है, इस बार मुझे ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू नहीं दी गई है। क्लियर, ये वैल्यू ना दे करके ये क्या दिया मुझे, डायरेक्ट एरिया का मान दिया गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे, पीछे वाले एक तरह नहीं लगेगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब देखिए एरिया में वृद्धि हो रहे हैं, तो एरिया पहले जो भी रही होगी वो अपने आप में क्या रही होगी, 100% रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो एरिया क्या मानेंगे, आप अपने आप में 100% मानेंगे। अब ये क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, पहले 100 था, अब बढ़कर ये कितना हो गया, अगर हम लोग एरिया माने पहले 100 है तो ये बढ़कर कितना हो गया, ये 169 हो जाएगा। कितना हो गया, 169 हो गया। अगर ये क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर में होता है। अगर ये क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है कि नहीं होता, तो वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको, ये जो क्षेत्रफल ये स्क्वायर में बढ़ता है, तो वो पहली वाली वाली संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। क्षेत्रफल स्क्वायर में बढ़ता है तो पहले वाली संख्या पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब देखिए जब रूट लगा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, और इसका मान कितना आ गया, 13। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अगर रेडियस इतनी थी, अब बढ़कर कितना आ गई, 13। तो कितने का इंक्रीज हुआ, ये 3 का इंक्रीज हुआ, कितने पर, 10 पर। तो 10 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल, ये इससे कट गया। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि है, सॉरी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, त्रिज्या में आप बता सकते हैं कि 30% की वृद्धि हुई। तो यहां से ये सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, उस बढ़ जाता है, फिर उसकी उसकी आप लिख ले, या उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें आपसे यही पूछा गया। तो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको अभी पीछे, अगर ये एरिया में बढ़ रहा है ना, तो पहले एरिया इसका जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब ये 44% बढ़ गया तो बढ़कर कितना हो गया, 144। अब एरिया की बात हुई, एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर में बढ़ता है, तो पहली वाली वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, इस रूट लगा देंगे। स्क्वायर में बढ़ता है तो पहली वाली संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, ये 12। आप चाहे तो काटकर छोटा कर लेंगे, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 से बढ़कर कितना गया, ये 12। तो 2 का इंक्रीज हुआ, कितने पर ये हुआ, ये 10 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हुआ, तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत जल्दी बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसकी आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? देखिए आप करना कि लंबाई में भी वृद्धि हो रही, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है और क्या हो रही है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो तीन बार क्या करेंगे, यानी 10% इसमें, 10% इसमें, 10% इसमें, सभी में वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए रेशियो मेथड सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एबी प्लस एबी अपॉन 100। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों को पकड़कर सॉल्व करेंगे तो इसको इन दोनों का मर्ज हो जाएगा। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे जब सॉल्व करेंगे तो 10, 10, 20 और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक आएगा, तो 21 हो गया कि नहीं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा। कैसे आएगा, अब देखिए यहां से करेंगे तो 21 + 10 और प्लस 21 × 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 100। ये इससे कट गया, नीचे एक जीरो तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 2.1। अब जब जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो गया, 31 तो कितना हो गया, 33 से ही 1% होगा। क्लियर? 33 से ही 1% होगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करेगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से करेंगे तो सभी में ये देखिए क्या इंक्रीज हो रही है। पहले एरिया का मान लें लंबाई 10 था, 10% वृद्धि हो रही है तो 10% का मान कितना, 1/10। अगर पहले लंबाई 10 है, पहले लंबाई कितना 10 है, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11। अब चौड़ाई, चौड़ाई की बात कर ली तो 10 से बढ़कर ये कितना हो जा रही है, 11। सब में समान वृद्धि, 10% की वृद्धि, मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख रहा हूं। और ये हाइट तो ये भी तो 10% इंक्रीज हो रहा है। जब गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 131। क्लियर? 11 क्यूब कितना होता है, 13, 31 होता है कि नहीं होता है। अगर ध्यान से देखें यहां से कितने का इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो कितने का, 331 का, कितने पर, 1000 पर। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे कट जाएंगे। अब नीचे एक जीरो तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएंगे तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 33.1 हो जाएगा परसेंटेज। ये इसका आंसर आ गया। चाहे आप इस तरह से लगाइए, चाहे आप इस तरह से लगाइए, आपका आंसर दोनों तरीके से आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई क्या रही है, कम हो जाए, 50% कम हो जाए, तो आयतन में हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना रहा। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे ये 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये कमी हो रही है, पहले 2 था तो ये घटकर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे इसको, क्योंकि ये कम दिया ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको दिया है तो पूछा कि आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब देखिए अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं रेशियो मेथड से ही, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बनेगा भी नहीं जल्दी, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो रेशियो मेथड सॉल्व कर लेते हैं। लंबाई इसका मान कितना होता है, 1/6 होता है, तो पहले 6 था और सभी में देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो 6 था तो 6 से बढ़कर ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसका मान कितना होता है, 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है, तो ये 8 से बढ़कर कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, 9। अब फिर क्या दिया, ऊंचाई, हाइट कितना दी गई है, इसका मान कितना होता है, 1/9 होता है, इसका मान 1/9 होता है, 9 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, 9 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ध्यान से देखें तो ये 9 से 9 कट गया। अब देखिए कुछ और कट रहा है क्या, जैसे ये देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, 2, 3, 6 और ये 2, 5, 6, 10, अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 5, 7, 35। और जब यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 19 मिलेगा, सॉरी ये 18 × 36 कितना मिलेगा, ये 17 मिलेगा, बटे कितना हो जाए, 18। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीपल कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके बताएंगे आप आंसर कितना। आप पूरा कैलकुलेशन मत करिएगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते रहिएगा कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है, पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए, उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की
वृद्धि हुए, दैनिक वेतन दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें हमसे ये पूछा है। तो सेम रेशियो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, दैनिक घंटे में कितने की वृद्धि हुई, इतने की, तो आप 15% का मान कितना, 3/3 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, ये 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, ये इसका मान जो कितना होता है, 3/3 कितना होता है, ये 20। तो 20 से बढ़कर ये कितना हो गया, 23 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो 5 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 5 से बढ़कर ये 6 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखिए, कट रहा है तो काट लीजिए, 3 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार। जब गुणा करेंगे तो ये 50 हो गया, और ये 23 कितना हो जाएगा, 23 कितना है, 23 69 होता है। 6 9 यहां से देखिए कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहां से 19 का ये इंक्रीज हुआ, कितने पर, 50 पर, 50 और ये 100। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 19 दुना कितना हो जाएगा, ये 38। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 38% का ये इंक्रीज हुआ। और ये क्वेश्चन देखिए मेंस में पूछा गया 2022 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना रहा। रेशियो मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, रेशियो मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, इसको भी क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। रमेश के वेतन में पहले इतने परसेंट की वृद्धि होती है और इतने परसेंट की कमी होती है, और फिर भी इस 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी का परसेंटेज आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये भी आपके लिए क्या होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2023 इस बार में पूछा गया। सीजीएल 2023 में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कह रहा है पहले महीने में मोहन की आय 30% क्या होती है, वृद्धि होती है, और दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, 2 महीने बाद आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, इसमें आपसे ये पूछा। आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर ए माइनस बी एबी अपॉन 100। इससे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी ये लाभ और हानि दोनों सेम हो तो क्या करेंगे, ऐसे में हमेशा हानि होती है, ऐसे में क्या होती है, हमेशा हानि होती है। आर स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, आर ऐसे में तो हमेशा हानि होती है, जब ये दोनों सेम हो तो हानि कितने के बराबर होती है, आर स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर हानि होती है। तो देखिए R का मान दिया गया, इसमें चाहे रख के सॉल्व करिए चाहे इसमें रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। आप चाहे इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 3200। तो ये कट गया तो कितने की हानि होगी, 9% की हानि। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें, यहां पे भी जब रखेंगे तो 30 से 30 कट जाएगा, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 का कितना होगा, 9 आएगा। क्लियर है? आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे जरूर से बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। बस अब रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।